एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर 369 में क्या डिवाइड करने से 369 ही आएगा। ठीक है, मतलब इससे इसके साथ जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसका मतलब 1 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जिससे डिवाइड करके हमको वही नंबर लाना है, इसका मतलब हमको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड है, 75 में क्या डिवाइड करने से -1 आएगा, तो यहाँ -75 है तो हमको +75 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 75 / 75 1 होता है, और यह माइनस है तो यह माइनस लग गया। 206 में क्या डिवाइड करने से 1 आएगा, तो यहाँ पर हमको 1 चाहिए और 1 के लिए सेम नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर -206 है तो यहाँ पर हमको -206 आंसर लिखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में है कि 87 -87 में क्या डिवाइड करने से +87 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो नंबर है यहाँ भी सेम नंबर है, इसका मतलब 1 करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है और आंसर में माइनस नहीं है तो हमको -1 लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ 87 आएगा, 87/1 87 होता है। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -87 लगाना है। 48 में क्या डिवाइड करने से, 48 से किसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 48 से 48 को डिवाइड करो 1 आएगा, और यहाँ माइनस है तो -48 लगाओ। 20 में 20 को किससे डिवाइड करने से 2 आता है, 10 से डिवाइड करने से 2 आता है, 10 2 जो 20। अब क्योंकि आंसर में माइनस है तो यहाँ भी हमको माइनस लगाना पड़ेगा। फिर है, किसको 4 से डिवाइड करने से 3 आता है, 4 3 जो 12 होता है ना, तो 12 को 4 से डिवाइड करने से 3 आता है। अब क्योंकि आंसर में माइनस है तो हमको यहाँ आंसर -12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लेना है, और माइनस का ध्यान रखना है।